भोजन में ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो भोजन के अंदर जो नेचुरल शुगर है, प्राकृतिक शक्कर है, उसको निकालने में या उसको शरीर के उपयोग आने में रुकावट बनती है, ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं आज के भोजन में? तो हमने एक बहुत बड़ी लेबोरेटरी है हमारे भारत देश में, CDRI, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, उनके यहाँ कई साइंटिस्ट लोगों के साथ इस पर बात किया कि आप बताइए कि हमारे पास ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो हमारे भोजन के प्राकृतिक शक्कर को शरीर के लिए उपयोग आने से रोकती है। तो सभी वैज्ञानिकों ने एक स्वर से जो वस्तु का नाम लिया है, उस वस्तु से आप जितनी घृणा करें उतना अच्छा, और उस वस्तु का नाम है चीनी, शुगर, खांड। ये जो बाजार में मिलती है, ये सबसे खतरनाक चीज है। आप में से अगर कोई केमिस्ट्री के स्टूडेंट यहाँ बैठे होंगे तो उनको एक इशारे के लिए बोल देता हूँ कि ये शुगर जो है ना, बाजार में मिलने वाली गन्ने के ऊस के रस से बनने वाली, ये पॉलीसैकेराइड्स है। और हम जो भोजन में से ले रहे हैं वो सब मोनोसैकेराइड्स हैं। अब ये जो शुगर है, ये भोजन के मोनोसैकेराइड को सबसे ज्यादा रोकती है डाइजेस्ट होने में, और भोजन के अंदर की जो मोनोसैकेराइड्स है वो इस पॉलीसैकेराइड को मोनोसैकेराइड में कन्वर्ट करने के लिए लगातार झगड़ा करती है। और इस झगड़े में सबसे ज्यादा वेस्ट होता है हमारे शरीर का जो द्रव, उसका नाम है इंसुलिन। और इस इंसुलिन को पैदा करने वाला है पैनक्रियास। तो मतलब सीधा सा ये है कि अगर आप ये खांड खरीद के खाएंगे, शक्कर घर में लाएंगे, शुगर लेके आएंगे, तो ये शुगर आपके शरीर में जो भोजन में से मिलने वाली नेचुरल शुगर है उसको रोकेगी, और इसको बार बार पॉलीसैकेराइड से मोनोसैकेराइड में कन्वर्जन करना पड़ेगा, उसमें सबसे ज्यादा इंसुलिन वेस्ट होगा। इंसुलिन को ज्यादा उत्पन्न करने के लिए पैनक्रियास को ज्यादा काम करना पड़ेगा। पैनक्रियास अगर ज्यादा काम पे लग गई तो आपको 101% डायबिटीज होगा, और जिनको डायबिटीज होगा उनको हार्ट अटैक भी होगा, जिनको डायबिटीज होगी उनको नपुंसकता भी आएगी, जिनको डायबिटीज होगी उनकी आंखें भी चली जाएंगी, जिनको डायबिटीज होगी वो बच्चे पैदा नहीं कर सकते, जिनको डायबिटीज होगी वो कुछ नहीं कर सकते, उनकी जिंदगी अपने ऊपर ही सबसे बड़ा बोझ है। अब 3,500 साल पहले भारत के एक महान व्यक्ति बाघभट्ट ने ये कह दिया कि भोजन में ऐसी चीज बिल्कुल मत खाइए जो प्राकृतिक शक्कर को भोजन में अवशोषित करने में रास्ते में रुकावट बने। ये 3,500 साल बाद हम देख रहे हैं, हमारी आंखों के सामने से दोहरा है। तो आपके स्वयं पाक घर में किसी एक वस्तु से घृणा करनी हो आपको तो वो यही है, चीनी। चीनी से घृणा करिए, शुगर से घृणा करिए, इतनी घृणा करिए जितनी आप अपने दुश्मन से भी नहीं करते। माने मेरी अगर आपको विनती स्वीकार करनी हो तो अपने स्वयं पाक घर से इस चीनी को निकाल बाहर करिए, मत लाइए। तो आप बोलेंगे फिर क्या खाएं, गुड़ खाइए। तो आप कहेंगे गुड़ और चीनी में अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। चीनी बनती है 23 जहर मिलाने के बाद, 23 जहर मिलते हैं ऊस के रस में तब चीनी बनती है, और वो चीनी के साथ 23 जहर भी शरीर में रहते हैं। और गुड़ अकेला एक ऐसा है जो बिना किसी जहर के सीधे सीधे बनता है, उसके रस को गर्म करते जाओ गुड़ बन जाता है, कुछ मिलाना नहीं पड़ता। ज्यादा से ज्यादा कुछ मिलाते हैं तो दूध मिलाते हैं और कुछ नहीं मिलाना पड़ता। और चीनी बने तो इतने तरह के फार्मेलिन, फार्मल्डिहाइड इसमें मिलाने पड़ते हैं, बहुत सारा। फार्मेलिन दुनिया का सबसे खराब जहर है जो चीनी बनाने में उपयोग होता ही है, बिना फार्मेलिन के चीनी बनती नहीं है। और फार्मेलिन कितना खराब जहर है, केमिस्ट्री की डिक्शनरी में अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें बिल्कुल साफ लिखा हुआ है 0.05 मिलीग्राम मात्रा फार्मेलिन की किसी भी आदमी को कैंसर से मार देने के लिए पर्याप्त है, 0.5 मिलीग्राम। और अगर आपने 1 किलो चीनी खा ली तो 0.5 मिलीग्राम फार्मेलिन तो आने वाला है 1 किलो चीनी। इसलिए चीनी मत खाइए, गुड़ खाइए। आप कहेंगे भी गुड़ मिलता नहीं है, डिमांड करिए मिलने लगेगा। अर्थशास्त्र का एक सिद्धांत है कि मांग करो तो सप्लाई आएगी, डिमांड करो तो सप्लाई आएगी। तो गुड़